अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स साहब? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए जो घर का प्लान लेके आया हूँ, ये 50x90 का प्लॉट है और इसका ये प्लान है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी इसमें ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास, इसमें फर्स्ट फ्लोर है और रूफ़ प्लान है। ठीक है, ये जो रूफ़ प्लान है इसको मल्टी प्लान भी बोलते हैं। मैं आज आप इसको बताऊँगा आपको कि इसमें हमारे पास कितने बेड हैं और कौन कौन सा साइज़ है बेड का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, कमेंट कमेंट ज़रूर किया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों के कमेंट का जो जो आंसर भी दूँ, और लाइक भी ज़रूर किया करें वीडियो को ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो प्लान है। इसमें हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, मल्टी प्लान है, जैसे मैंने पहले आपको बताया रूफ प्लान। तो सबसे पहले हम ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड में हम अगर प्लान के प्लॉट के सामने खड़े हों तो हमारा जो पोर्च है वो इसका लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, तो इसमें हम जब मेन गेट में एंटर होते हैं, एक साइड लेफ्ट साइड में हमारा मेन गेट है, उसके साथ हमारा एक विकेट गेट है छोटा। और जब हम प्लॉट के अंदर आएँ तो हमारा राइट साइड में लॉन होता है जो 14 फीट 3 इंच वाइड का है, और सामने हमारे पास पोर्च है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो लंबाई 27 फीट 7.5 इंच और चौड़ाई 24 फुट 3 इंच, लेंथ वेट जो है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम जब घर के अंदर दाखिल हों तो हमारे पास 4 सीढ़ियाँ इसमें आती हैं, 4 स्टेप आते हैं, 6 इंच का हर एक स्टेप है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, फिर आपको ये पूरा एक ही बार में मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमारे पास है। ठीक है, जो हमारे पास इसका हर एक स्टेप जो है वो 6 इंच का है, इसमें 4 स्टेप दिए हैं। जब हम घर में एंटर होंगे तो ये हमारा डोर है, मेन डोर है, ये 5 फीट वाइड का डोर है। और जैसे ही घर के डोर से अंदर एंटर हों तो हमारे पास स्टेयर लॉबी आती है, स्टेयर हॉल आता है। ठीक है, स्टेयर हॉल में हमारे पास इसमें हमारे पास जो प्लान है वो लेफ्ट साइड में हमारे पास स्टेयर केस है। जब हम घर के एंटर होते हैं लेफ्ट साइड में स्टेयर केच है, ये 8 फीट 9 फीट इसकी चौड़ाई है और 21 फुट 10.5 इंच इसकी लंबाई है। ये आप 9 फीट ऊपर से नीचे जो इसकी चौड़ाई है, इसमें 4 फीट की जो हमारा ईच हमारा जो लैंडिंग है, ये हमारा स्टेयर जो चौड़ाई में है वो 4 फीट चौड़ी है। ठीक है, और हर स्टेप जो है इसका वो 12 इंच का होगा। इसके साथ ही हम जब राइट साइड में देखें तो हमारे पास ड्राइंग रूम का डोर है, ये 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मगर मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको 3.5 लगाएंगे तो हमने 3.5 लगाया। इसके साथ जो ड्राइंग रूम की लंबाई चौड़ाई है इसमें 15 फिट 10.5 इंच बाई 19 फिट है। ठीक है, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है और ये स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर सेंटर में लगा हुआ है, ये सेंटर में स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर। और इसके साथ हमारे पास डाइनिंग है, डाइनिंग की भी लंबाई चौड़ाई जो है वो 15 फिट 10.5 इंच बाई 9 फिट 7.5 इंच है। ठीक है, इसी तरह जब हम घर देखें तो हमारे पास ये 3.5 फिट का डोर एक ये लगा हुआ है। स्टेयर हॉल के अंदर जब हम लाउंज में जाने के लिए, डायरेक्ट लाउंज है, इसमें 5 फुट का डोर लगा हुआ है। 5 फुट डोर के साथ जब हम लिविंग एरिया में एंटर होते हैं लाउंज में, तो लाउंज की जो चौड़ाई लंबाई हमारे पास है वो 21 फुट 10.5 इंच बाई 18 फिट है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत कुशादा, बहुत खुला हवादार हमारे पास लाउंज है। लिविंग एरिया में आप रोशनी भी बहुत हमारे पास वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास एयर सर्कुलेशन के लिए भी, एयर के लिए भी हमारे पास ये एरिया है। ठीक है, विंडोज़ वगैरह लगी हुई हैं सारी। इसी के साथ जब हम देखें तो लाउंज के अंदर से हमारी एंट्रेंस है किचन के लिए, किचन का डोर है, किचन का डोर भी आप 3 फिट का लगा सकते हैं, 3.5 का लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है। और इसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो 15 फिट 10.5 इंच बाई 13 फिट का हमारे पास किचन है, बहुत अच्छा बड़ा किचन है। ग्रीस किचन इसके साथ मैंने नहीं दिया क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमने ग्रीस किचन रखना है, उन्होंने एक ही किचन में सारा काम करना है। ठीक है, इसमें विंडो लगी हुई है बाहर आउटसाइड में। इसी तरह जब पैसेज है आगे, किचन के आगे पैसेज है, 6 फिट 6 इंच वाइड का पैसेज है। ये गली जो है इसमें जब आप इंटर हों आगे आएँ तो आगे लेफ्ट साइड में बेड है, एक राइट साइड में बेड है। जो पहले राइट साइड वाली बात करें, राइट साइड वाला जो बेड है इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फिट 10.5 इंच बाई 15 फिट
लंबाई चौड़ाई जो है इसकी वो 15 फीट 7.5 फीट 15 फीट है, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे साथ ये प्रॉपर ड्रेस बात है, ड्रेस जो बनी हुई है वो 7.5 फीट 7 फीट 4.5 इंच का ड्रेस एरिया है, ड्रेस है। और जो इसमें बात है, बात जो है वो 8 फीट बाई 7.5 फीट 4.5 इंच है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में अगर आप आएँ तो गली में लेफ़्ट साइड में जो मैंने आपको बताया पहले कि हमारा एक बेडरूम लेफ़्ट में, एक राइट में, एक सामने है, तो इसी तरह लेफ़्ट वाला जो बेड है इसकी चौड़ाई 14 फीट 7.5 इंच बाई 12 फीट है। इसमें मैंने ड्रेस बेड के अंदर दी हुई है। और इसी तरह इसके आगे बाथ, प्रॉपर इसका बाथ बना हुआ है। ये जो मेन एक बेडरूम है ये प्रॉपर ड्रेस बाथ के साथ बना हुआ है। जो दूसरा बेड है ये ड्रेस बेड के अंदर है और बाथ सेपरेट है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद की जो चौड़ाई है ये 7 फुट 7.5 इंच बाई 7 फुट 7.5 इंच है, ठीक है। और इसके साथ ही हम अगर बात करें, हमारा जो सामने वाला बेड है इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फुट 9 इंच बाई लंबाई 15 फिट है। और ये बहुत बड़ा खुला हमारे पास बेडरूम है। और इसके अंदर ही मैंने 2 फिट की ड्रेस दी है, ठीक है। और इसके साथ ये बैक साइड में विंडो आ गई इसकी। लेफ़्ट साइड में हम ये इसका एक डोर है, 2.5 फिट का डोर है बाथ का। और इसकी चौड़ाई लंबाई 7 फुट 7.5 इंच बाई 7 फुट है, ठीक है। ये बाथ जो तीनों बेड हैं उनके साथ बाथ भी अटैच है। दो के साथ, दो बेडरूम की ड्रेस जो है वो रूम के अंदर ही बनाई है और तीसरे का ड्रेस बाथ प्रॉपर बनाया है मास्टर बेड का। इसके साथ बैक साइड में अगर हम देखें तो 8 फीट वाइड की हमारा रियर लॉन है। रियर जो पैसेज है हमारे पास 8 फीट वाइड का, ये यहाँ से यहाँ तक का पैसेज है, ठीक है। इसी तरह दोनों साइडों में 5 5 फुट की हमारे पास गलियाँ हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर 50-90 का प्लॉट है। ये CDA और DHA के जो बायलॉज हैं उनके मुताबिक बना हुआ है। अगर किसी भाई ने हमारे से प्लान बनवाना है, हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना है, तो इसी प्लान को मैं PDF जो है इसका वो मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाके, इसको गैम रूट की वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह आने थोड़े दिनों में हमारी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी। वो वेबसाइट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है, फर्स्ट फ्लोर प्लान में भी हम देखें तो पोर्च के ऊपर टॉप पे हमारा टेरेस आ जाएगा। स्टेयर लॉबी से भी स्टार्ट करें तो सेम हमारा साइज़ 21 फुट 10.5 इंच इसकी स्टेयर और 9 फिट लंबाई चौड़ाई इसका साइज़ है। राइट साइड में ड्राइंग रूम है इसका 15 फिट 10.5 इंच बाई 19 फिट है। तो ये सेम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है उसके साथ ही है। फ्रंट में इसके 3 फिट वाइड की बैल्कनी है, राइट साइड में 2.5 फिट वाइड की बैल्कनी है। अगर हम टेरेस की बात करें, जो हमारा टेरेस है हमारे पोर्च के ऊपर जो टेरेस है, टेरेस जो 27 फिट 3.5 इंच बाई 15 फिट का टेरेस है, बहुत खुला, जितनी पोर्च की हमारी छत है उसके ऊपर हमारा टेरेस आ रहा है। इसके साथ अगर हम आगे आएँ तो वही सेम हमारा डाइनिंग एरिया 15 फिट 10.5 इंच बाई 9 फिट 7.5 इंच। और बाएं साइड में जो हमारा लिविंग है, लिविंग का जो साइज़ है वो सेम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का लिविंग है उसके सेम साइज़ है, 21 फुट 10.5 इंच बाई 18 फिट। इसी तरह हमारा किचन का साइज़ भी सेम है, 15 फिट 10.5 इंच बाई 13 फिट। तो आपको ब्रीफ करने का मकसद ये है भाई कि फ्रेंड्स, ये सारे जो हमारे साइजेस हैं ना, जो बेडरूम्स का साइज़ जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है उसी तरह ही हमारा फर्स्ट फ्लोर इसमें बनेगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में जब आप देखेंगे तो बैक साइड में 3 फिट की बेल्कनी होगी आपके पास, और लेफ्ट साइड में 2.5 फिट की और राइट साइड में 2.5 फिट की बेल्कनी होगी, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो रूफ प्लान है, रूफ प्लान में आप 400 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं इसको बना सकते ममटी एरिया को। तो ये बना हुआ है यहाँ पे स्टेयर हाल, तो नॉर्मल स्टेयर, तो स्टेयर आएगी ममटी तक, रूफ स्लैब तक। और इसी के साथ हमारा आगे एक रूम है 15 फिट 6 इंच बाई 9 फिट 7.5 इंच का, ये ड्राइवर के लिए या वैसे स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। के साथ एक बाथ बनाया है जो 6 फिट बाई 9 फिट 7.5 इंच का प्रॉपर बाथ है। तीनों फिक्सचर इसमें लग जाएंगे। आप इसमें वैनिटी, WC और इसमें शावर ट्रे लगा सकते हैं, तो ये तीनों फिक्सचर इसमें लग जाएंगे। बाकी अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें 1700 गैलन का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ये बनाना है, उन्होंने पे किया है इसके बारे। बहरहाल आप इसको 1000 गैलन तक, 1000 गैलन का आप बना सकते हैं, ये बायलॉज में शामिल है। बाकी हमारे पास रूफ टेरेस पूरा बना हुआ है।